शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री मार्केट के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा, जहां कैस्टर के अंदर हमने 4% की तेजी देखी फ्रेश बाइंग के चलते, जहां पे 12% का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट में और 16% का वॉल्यूम में हमने गेंस बनते हुए देखा। मसालों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का दौर था, बट उसके बावजूद अगर हम जीरे और धनी की बात करें तो 3.5% की तेजी के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट टेक्निकली जीरा और धनिया ओवरबॉट जोन के बियॉन्ड जा चुका है, जहां RSI 87 और 82 है। वहीं हल्दी की अगर बात करें तो करेक्शन मोड हल्दी में शुरू हो चुका है, जहां पे हमने करीबन 2% की गिरावट आते हुए देखी है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिसका मतलब है हायर लेवल से प्रेशर बन रहा है, लेकिन जीरे में ओपन इंटरेस्ट खाली 1% बढ़ा है, इसका मतलब है हायर लेवल पे लेवाली कमजोर पड़ रही है। गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि मार्केट का व्यू साइडवे ही रहना चाहिए, न्यूट्रल ही रहना चाहिए, पूरे हफ्ते भर में हमने 0.5% की ही तेजी देखी है, जबकि मार्केट ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश टोन के साथ ट्रेड किया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो गवार गम में जबरदस्त वॉल्यूम में गिरावट है, लेकिन गवार सीड वॉल्यूम में कमी है, बट ओपन इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं गवार गम पे आप ध्यान रखिए, वॉल्यूम कम है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो अपसाइड लिमिटेड दिखाई देती है। मेंथा ऑयल फिर से रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दिया, जबकि कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉटन में 2.5% की तेजी शॉर्ट कवरिंग के साथ आते हुए दिखाई दी। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने फ्रेश बाइंग के चलते 4.5% की जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी, जैसे उम्मीद थी। कॉटन टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, क्योंकि RSI 86 पे है, बट शॉर्ट टर्म के चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिला हुआ है। अगले हफ्ते की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर हम जैसे कि जानते हैं नई फसल जल्द आने वाली है, बट क्रॉप साइज कम और डिमांड इंप्रूवमेंट के चलते कैस्टर में तेजी का रुख कायम रहेगा। 6700 के ऊपर मेंटेन होने पे 6900 का इमीडिएट टारगेट है। ओवरऑल अगर 2 महीने का व्यू लेके चले तो 7200 के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं हल्दी के अंदर एक करेक्शन मोड है इस वक्त, जो 9900 का लेवल तोड़ने पे हम 97 से 9500 तक के भी लेवल देख सकते हैं, तो थोड़ा पुल बैक हल्दी में हम देख सकते हैं। जीरा धनिया हमने पहले भी कहा था, लॉन्ग टर्म व्यू जबरदस्त तेजी का है, जहां 25,000 जीरे में और 18,000 धनिया में देखने मिल सकता है, बट ये हफ्ते में हमने देखा एक हायर लेवल पे कैप लगता हुआ। आज हमें लगता है कि अगले हफ्ते में भी प्राइजेस हायर लेवल से थोड़ा पुलबैक दिखा सकता है, जो 19,500 तक का लेवल जीरे में और 10,200 का लेवल तोड़ने पे 9,800 तक के भी लेवल हम धनिया में बनते हुए देख पाएंगे, तो संभल के ट्रेड कीजिए। गवार सीड गवार गम में फ्रेश बाइंग जरूर है, बट मार्केट 6,000 से लेके 6,600 के एक ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड करेंगे। गवार गम भी 11,000 से लेकर 12,200 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए। प्राइजेस अगर 970 के ऊपर निकलता है तो हम फ्रेश बाइंग आते हुए देखेंगे। वहीं कॉटन में जैसे हमने उम्मीद की थी 38,000 के टारगेट की, इस हफ्ते में 38,550 का लेवल छूते हुए देखा। जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हो सकता है कि कॉटन के थोड़ा पुलबैक आ जाए, बट उस पुलबैक पे लेके चलिए 40,000 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी 3,000 के ऊपर काउंटर तेज जरूर है, बट 3,350 या 3,400 के ऊपर जब तक नहीं जाता है नई तेजी नहीं बनेगी, तो प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। ओवरऑल हाथ में माल रहना जरूरी है, जो मार्च एंड तक हम 4,000 का लेवल भी देख पाएंगे। धन्यवाद। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।